बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में भी इस साल 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा है, इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएगी। बच्चों की जिंदगी हमारी अनमोल है, कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर, जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। सीबीएसई के बाद आईसीएसई और फिर एक एक कर राज्य शिक्षा बोर्डों ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छात्रों का रिजल्ट कैसे आएगा, छात्रों का मूल्यांकन किस आधार पर होगा और क्राइटेरिया क्या होगा। सीबीएसई ने अपनी ओर से साझा किया कि छात्रों का मूल्यांकन एक वस्तुनिष्ठ मानदंड पर किया जाएगा, लेकिन कक्षा 12वीं के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई का वस्तुनिष्ठ मानदंड है क्या? माना जा रहा है कि प्री बोर्ड फर्स्ट और सेकेंड टर्म के आधार पर परफॉर्मेंस का आकलन किया जा सकता है, वही प्रैक्टिकल्स के आधार पर भी आकलन किया जा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने इनमें से कोई एग्जाम नहीं दिया तो उसे 10वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर भी आंका जा सकता है।